नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर आज हम पढ़ने वाले हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर खत्म होने के बाद हम ट्रांजिस्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सेम जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, फुल वेव रेक्टिफायर भी एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसको फुल वेव इसलिए बोला है क्योंकि ये हाफ वेव में तो सिर्फ आधा पोर्शन ही रेक्टिफाई हो रहा था, ठीक है। अब देखो फुल वेव कैसे काम करता है, ठीक है। ये हमारा अब फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में फर्क भी बता दूं, फुल वेव रेक्टिफायर की जो थोड़ी कंस्ट्रक्शन होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की जो कंस्ट्रक्शन होती है हाफ वेव से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें हमने क्या किया गया है, ये हमारे पास हमने जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो कनेक्टेड है वो 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्टेड है 50 हर्ट्ज से, ठीक है। ये हमने यहां कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स, ठीक है। बीच में ट्रांसफॉर्मर कोर है, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है, इसको हमने कनेक्ट किया है डायोड D1 और D2 से, ठीक है। बीच में हमने क्या किया है, ये क्या लाया हूं मैं लोड से, ये लोड है ना, ये लोड से यहां पे मैं एक चीज लेके आया हूं, ये टैपिंग। सबसे पहले इसको समझते हैं ये टैपिंग क्या चीज है। ये सेंटर टैप किया गया है ट्रांसफॉर्मर को। सेंटर टैपिंग का मतलब क्या होता है, मिडिल पोर्शन से जितना हिस्सा यहां पे टैप है वाइंडिंग का उतना ही हिस्सा यहां पे टैप होना, दिस इज नोन एज द सेंटर टैपिंग। सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर यूज होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसमें, यूपीपीसीएल का एग्जाम हो गया, यूके पीसीएस का एग्जाम हो गया, एमपीपीजीसीएल हो गया, या फिर पावर ग्रिड का एग्जाम हो गया, कि कंस्ट्रक्शन से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्या यूज होता है। तो मैंने यहां से भी आपको बता दिया, फिगर देके आपको यूज होगा, दो डायोड्स और सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। अब ये सारा जो खेल करेगा ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर और दो डायोड्स ही मिलकर करेंगे, जो हमारी रेक्टिफिकेशन करेंगे एसी से डीसी की तरफ, ठीक है। अब देखिए जरा, एसी करंट जो मेरा होता है वो साइनोसोडियल इन नेचर होता है। हमने क्या किया, इनपुट सप्लाई वोल्टेज दी, ये इनपुट सप्लाई वोल्टेज मैंने दी, इसकी वजह से यहां पे एक इनपुट करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं आई इनपुट, ये रहा आई इनपुट। अब मैंने ये जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज यहां पे दिया वी इनपुट से लिख लो इसको, वी इनपुट, ये एसी सप्लाई दिया मैंने। अब ये एसी सप्लाई का जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, देखिए ये वी इनपुट का मैंने यहां पे कर्व बना दिया, कर्व से समझेंगे हम, कर्व से ही समझा जाता है ये डायोड। ये ई वी इनपुट का मैंने कर्व बनाया, ये जीरो से स्टार्ट हुई वी इनपुट, इसकी पहली साइकिल शुरू होगी, ठीक है। तो जैसे ये वी इनपुट मैंने दी, इसकी वजह से जो आई इनपुट करंट चला, तो वी इनपुट की अगर पॉजिटिव साइकिल है तो उससे जो करंट उत्पन्न हुआ है आई इनपुट, उसकी भी तो पॉजिटिव साइकिल ही रहेगी। तो इनपुट पे करंट की पॉजिटिव साइकिल है, वोल्टेज की भी पॉजिटिव साइकिल है, तो यानी कि यहां पे क्या होएगा, पॉजिटिव साइकिल होएगी, पहली पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। नीचे क्या होगी यहां पे क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, देखिए पहले इनपुट पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, ठीक है, नीचे नेगेटिव है, ऊपर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्यों ऊपर पॉजिटिव क्यों है पोलैरिटी यहां पे, क्योंकि जो इनपुट वेव है उसकी इनपुट वोल्टेज की वेव की पोलैरिटी पॉजिटिव है और इनपुट करंट की वेव की पोलैरिटी भी पॉजिटिव है। अब यहां पे क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मर है, यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, यानी कि यहां से जो पोलैरिटी रहेगी ईएमएफ और करंट की वो यहां पे आएगी। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई और यहां पे क्या आ गई, नेगेटिव पोलैरिटी म्यूचुअल इंडक्टेंस से। हमारे पास थोड़ा साफ कर देता हूं यहां पे ताकि आपको दिखाई दे, थोड़ा सा साफ, यहां पे पॉजिटिव थी इनपुट की पॉजिटिव वेव थी वोल्टेज की और करंट की, तो यहां पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन से पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डायोड के एनोड से कनेक्टेड है, पी साइड से कनेक्टेड है, ये पी साइड होती है ना डायोड की, ये पी साइड होती है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव डायोड क्या हो गया, यहां पे ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस, लेकिन सेंटर टैपिंग से जो नीचे वाला डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, यहां पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव हिस्सा है ना डायोड का, ये क्या हो गया रिवर्स बाइस, ऊपर वाला क्या है फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो पहली पोलैरिटी जो है, पहली पोलैरिटी जो है उसमें ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, ये वाला रिवर्स बायस है तो ऑफ रहेगा, यानी कि लोड पे हमें करंट मिलेगा, लोड पे हमें करंट मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज, ये लोड वोल्टेजेस है सारी, ये लोड पे है सारा, ये लोड पे है सारा, ठीक है। ये लोड का कर्व है, ये इनपुट कर्व है, यहां पे भी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इनपुट कर्व है, ये लोड का कर्व है, तो लोड के कर्व पे हमें क्या मिलेगी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वीडीसी, यस वीडीसी मिलेगी। किसकी वजह से, डायोड वन की वजह से मिलेगी, डायोड वन की वजह से हमें वीडीसी यहां पे मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी साइकिल कैसे जा रही है, नेगेटिव जा रही है इनपुट वोल्टेज की, तो इनपुट करंट की भी क्या जाएगी नेगेटिव जाएगी, ठीक है। अब यहां पे क्या बना दो आप, पोलैरिटी चेंज कर दो, क्यों, दूसरी साइकिल क्या है नेगेटिव है, यहां पे क्या हो गया नेगेटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यहां पे भी पॉजिटिव। अब देखो उल्टा होगी गेम, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया रिवर्स बाइस, डी वन डायोड रिवर्स बाइस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, डी टू डायोड फॉरवर्ड बाइस। तो अब ये नेगेटिव पोलैरिटी थी, ठीक है ना। देखो डी वन डायोड तो रिवर्स बाइस है, पर इस नेगेटिव पोलैरिटी में डी टू डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा नेगेटिव पोलैरिटी में। तो इसकी वजह से क्या करंट फ्लो किया यहां पे, यानी लोड पे हमें डी टू डायोड की वजह से करंट मिलेगा, तो होगा ही ना फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव में हमें इस पोलैरिटी पे करंट नहीं मिलता था, वोल्टेज भी नहीं मिलती थी आउटपुट पे, लेकिन फुल वेव में हमें नेगेटिव पोलैरिटी पे भी डी टू डायोड की वजह से, ये देखो डी टू डायोड की वजह से जो करंट मिला उसकी वजह से हमें वोल्टेज मिली, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, फिर क्या हुई इनपुट वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है, इनपुट यहां पे पॉजिटिव, इनपुट करंट का पॉजिटिव, म्यूचुअल इंडक्टेंस है पॉजिटिव। अब ये डायोड क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस हो गया ऊपर वाला, क्यों, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड डायोड का, ठीक है। यहां पे करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, यहां पे क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये क्या हो गया रिवर्स बाइस, ठीक है, यहां पे करंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहां पे करंट डायोड D1 की वजह से शुरू हो गया चलना, तो आउटपुट किसकी वजह से मिलेगी फिर से D1 की वजह से, ठीक है। आउटपुट करंट किससे मिलेगा D1 की वजह से, तो एक बारी में D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, फिर D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, यानी दोनों डायोड की वजह से यहां पे आउटपुट पे हमें रेक्टिफिकेशन मिल रही है, ठीक है। तो क्या मिल रही है हमें, तो हम इसने क्या किया फुल वेव रेक्टिफिकेशन दे दी यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो ना D1 D2 फिर से D1 ने कंडक्ट किया, तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन ये भी प्रॉपर रेक्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर रेक्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है। डीसी करंट कैसा होता है जरा ध्यान से देखिए, डीसी करंट जो होता है हमारा बेसिकली अगर हम देखें वो कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारे पास करंट है, ये हमारे पास टाइम है, और उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से होता है। क्या ये डीसी और ये जो आई डीसी है आप में इसको फर्क दिख रहा है, हाँ ये प्योर डीसी है, प्योर डीसी कभी भी रेक्टिफायर नहीं देता, ठीक है। ये कैसी डीसी है, ये है पल्सेटिंग डीसी, ये कैसी डीसी है पल्सेटिंग डीसी, ये पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी रेक्टिफायर देता है, ठीक है। फिर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये डीसी जो है ये प्योर डीसी नहीं है, पल्सेटिंग मिल रही है हमें, तो फिर कुछ ना कुछ तो हम ऐसा करते होंगे जो हमें प्योर डीसी मिले, ठीक है। हाँ, उसके लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं रेक्टिफायर के साथ, फिल्टर सर्किट आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैंने डेमो दे दिया फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। क्यों अभी नहीं पढ़ाऊंगा फिल्टर, क्योंकि अभी मैंने इसकी डीसी करंट जो होता है इसका एवरेज करंट उसकी डेरिवेशन करानी है, ठीक है। तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ये एक तरीके की पल्सेटिंग डीसी देता है, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी देता है, पल्सेटिंग डीसी देता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो पल्सेटिंग डीसी होती है, ठीक है, बाद में पढ़ाऊंगा फिल्टर, डेमो दे देता हूं थोड़ा क्या होता है। ये जो पल्सेटिंग डीसी निकलती है रेक्टिफायर से, ऐसे पल्सेटिंग डीसी निकलती है, इसको फिल्टर सर्किट के थ्रू पास कराते हैं,
ठीक है। ये फिल्टर क्या करता है, इसको डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है, प्योर डीसी में काम करना, ठीक है। अब ये जो चीज थी ना यहां पे, ये जो चीज थी, ये ऐसे कर्व है तो ये डीसी, क्योंकि ये एक तरफा है करंट है, लेकिन थोड़े से इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी मौजूद है, एसी कंपोनेंट भी मौजूद है। इस एसी कंपोनेंट को जो डीसी के अंदर होता है, इसी को बोला जाता है रिपल। इसी रिपल को रिमूव करने का काम जो होता है, इसी रिपल को रिमूव करने का, काट दिया मैंने, रिमूव करने का काम जो होता है इस महाशय फिल्टर सर्किट का होता है। फिल्टर क्या करता है, इसमें से रिपल रिमूव कर देगा और इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो रिपल को जो रिमूव करता है वो ये प्योर डीसी बनाने के लिए फिल्टर सर्किट करता है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं डीसी करंट की, ठीक है। एवरेज डीसी करंट जो निकलता है फुल वेव रेक्टिफायर का, उसकी डेरिवेशन, ठीक है। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन कराता हूं। ये हमारे पास लोड करंट है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लाई करेंगे इस कर्व पे, ठीक है। ये हमारे पास लोड करंट है और हमें इसका एवरेज करंट फाइंड आउट करना है, एवरेज डायरेक्ट करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आईडीसी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है वन डिवाइडेड बाय बेस जो होता है, वन डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है, जहां से साइकिल रिपीट करती है, रिपीट कहां से कर रही है, पाई से कर रही है, ठीक है। यहां से रिपीट कर रही है ना साइकिल, तो बेस क्या आएगा यहां पे, पाई आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जीरो से, जीरो से कहां तक की इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन कहां तक की होगी, पाई तक की, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। सेम ऐसे ही हाफ वेव में भी था, लेकिन हाफ वेव में वहां पे बेस टू पाई आया था, क्यों, हाफ वेव में ये वाली साइकिल नहीं होती, ठीक है। जब मैंने हाफ वेव की डेरिवेशन कराई थी, जिसने भी देखी थी उसको याद होगा, यहां पे मैंने टू पाई लिया था, लेकिन यहां पे मैं पाई ले रहा हूं, ठीक है। आई एम साइन टी, आई एम साइन टी ओमेगा टी इंटू 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 डी डब्ल्यू टी, ठीक है, डी डब्ल्यू टी हो गया। अब जरा इसकी इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, वन बाय पाई, ठीक है। आई एम को मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, आई एम को जीरो से पाई, जीरो से पाई, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी होगी। अब हम क्या करेंगे, माइनस आई एम बाय पाई, माइनस आई एम बाय पाई मैंने लिया, ये क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी जीरो से पाई, ठीक है, क्योंकि जीरो से पाई लिमिट है, तो यहां पर क्या बन गया, जीरो से पाई। तो अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ी होगी मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग में, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस आई एम बाय पाई, अपर लिमिट क्या है, कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट कॉस जीरो, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके माइनस आई एम बाय पाई, माइनस आई एम बाय पाई कॉस 180 की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू वन, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करना, जरा माइनस वन कितना होता है, माइनस टू आई के बराबर, माइनस टू के बराबर, माइनस टू के बराबर होता है माइनस वन, ये माइनस बाहर है तो क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव कर देगा, आई एम साथ में है बाय पाई, ठीक है, बाय पाई हो गया। अब इस रिजल्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, तो माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 आई एम बाय पाई हो जाएगा, तो एंड रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 2 आई एम बाय पाई, ठीक है। तो याद रखना जो डीसी करंट होता है ना हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसको रिजल्ट में भी पूछते हैं एंड में, 2 आई एम बाय तो आई डीसी की जो वैल्यू होती है
आईडीसी करंट, आईडीसी एवरेज लोड करंट क्या होता है किसी भी रेक्टिफायर का? 2 IM/π होता है, ठीक है। तो जनरली डिप्लोमा लेवल पे या बीटेक लेवल पे आजकल ये डेरिवेशन नहीं करा रहे, यूट्यूब चैनल्स पे डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। बट डेरिवेशन करानी चाहिए, उससे काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी में हिम्मत नहीं है, वो डेरिवेशन करा रहा है कोई बोर्ड पे, ठीक है, ऐसी उल्टा सीधा सा करा देते हैं। आपको मेरे लेक्चर देखने चाहिए, नई चीजें सीखने को मिलती है, भले ही आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो काफी अच्छा है, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।